हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द सस्टेन शो। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इसका इम्पोर्टेंस के बारे में और भी इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि यार आप अभी जो रिसोर्सेज है, आप जिन रिसोर्सेज को अभी यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल को, सॉयल को, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में से यूज़ करते हो, तो हम इन सब रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। यानी कि जो आप रिसोर्सेज अभी यूज़ कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा ना हो कि वो रिसोर्सेज जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ आप तक ही सीमित रह जाए और आपके जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके लिए कोई चीज़ बचे ही ना। जब हम इस तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से अपनी लाइफ जिएंगे, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग अपने फ्यूचर को ले जा पाएंगे। इसी कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब वो तरीका नहीं रहा कि जब पहले नॉर्मल जिस तरह लोग जीते थे, अब तरीका ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी है, वो आप किस तरह उसे आप उसे किस तरह यूटिलाइज करें कि वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन हो सके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है और दूसरा उसे यूएन एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। अब यूएन एजेंडा 2030 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गोल्स है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें 17 गोल्स हैं हमारे, 17 गोल्स हैं हमारे। अब इनको हमें 2030 जो साल आने वाला है, जो आएगा 10 साल के बाद, 2030 तक उसे अचीव करना है। तो समझ लो भैया, काम ज़्यादा है और टाइम कम। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये कब इम्प्लीमेंट किया गया और किन लोगों ने किया, कितने इसके टारगेट्स हैं, कितने इसके इंडिकेटर्स हैं, वो सब भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030, ये 25 सितंबर 2015 को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये समझ लो यार कि 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 193 कंट्रीज़ ने इसमें सहमति दिखाई, 193 देश के जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर ये डिसीज़न लिया कि ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे 17 गोल्स हैं, इनको हम अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें 169 टारगेट्स हैं और 230 इंडिकेटर हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है गुड क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15th है हमारा 15वां पॉइंट जो है हमारा लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और लास्ट जो हमारा जो 17वां गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये हैं हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या 17 ग्लोबल गोल्स जिनके ऊपर हमें अब भी
नेक्स्ट 10 ईयर्स में, जो आने वाले 10 साल हैं, इन पे काम करना है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल गोल्स इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ के लिए। पहला पॉइंट, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करिए, ठीक है, आप अपने रहन सहन को इम्प्रूव करिए, सब कुछ इम्प्रूव करिए अपने से जुड़े हुए। जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग अपने से रिलेटेड हर एक चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का कौन ख्याल रखेगा। तो जो पहला इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को तो इम्प्रूव करो ही करो, लेकिन एनवायरनमेंट को भी तो इम्प्रूव करना है भाई। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग अपने लाइफ को, हम लोग को घर बनाना है तो हम लोग कहीं पर भी पेड़ काट के घर बना दे रहे हैं, लेकिन नुकसान तो एनवायरनमेंट का हो जा रहा है। तो पहला पॉइंट यही है कि लाइफ को, अपना लाइफ को इम्प्रूव करिए। इसमें कहीं पर भी, इस जो 17 गोल्स हैं, इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर सिर्फ एनवायरनमेंट की बात की गई है। यहाँ पर बात की गई है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, यहाँ पर बात की गई है जेंडर इक्वालिटीज़ की, यहाँ पर बात की गई है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की। तो ये ओवरऑल ग्रोथ चाहता है, ये नहीं चाहता कि इंसानों को पीछे रख के इन्वायरमेंट को आगे कर दे, या इन्वायरमेंट को आगे करके रख के इंसानों को पीछे ले आए। तो ये बात समझिए कि हमारे साथ साथ हमारे इस प्लैनेट को भी बचाना है, क्योंकि हम अगर कल को ना रहें और हमारे बच्चे रहें तो फिर उनको कौन देखेगा और उनके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। पढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है यार कि देखो, इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, इंडिया की जनसंख्या अभी है 130 करोड़ की आबादी है, लगभग लगभग 1.3 बिलियन की आबादी है। तो 1.3, और ये बढ़ी रही है, घट तो रही नहीं है, अभी कोरोना के कारण थोड़ा मोड़ा पंगा चल रहा है, लेकिन ये समझो कि जाहिर सी बात है, लोग बढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा रिसोर्सेज का। तो एक टाइम के बाद तो भैया रिसोर्सेज तो है नहीं कि आदमी के हिसाब से, आदमी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज भी बढ़ता जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक टाइम के बाद सॉयल की जो ऊपर वाली लेयर है वो ख़त्म हो जाती है, एक टाइम के बाद पेट्रोल भी एक जगह से जो निकलता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप रिसोर्सेज हैं, क्यों बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज को लंबे समय तक लेके चलना है, ऐसा इस तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि वो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके। इसीलिए, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है जितना ज़्यादा मात्रा में हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को आपको समझना है और उसी के हिसाब से आगे अपने रिसोर्सेज को भी सस्टेन कर रखना है, ताकि वो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पास ऑन हो सके। तो ये बात आप समझ गए होंगे यार, ठीक है, इम्प्लीमेंट करिए। तो तीसरा पॉइंट ये है यार कि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब आप फॉलो करोगे तो ही आप सोशली, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली ये जो क्राइसिस जो होते हैं उनको आप, उनसे आप डील कर सकते हो, उनको आप किसी तरह रोक सकते हो। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल्स हैं, वो पहले ही मैंने बताया कि वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पे विश्वास रखता है। ऐसा नहीं रखता कि एक सेक्टर को आगे कर दो, दूसरे सेक्टर को पीछे रहने दो, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यार मैंने बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इसको कैसे, मतलब कैसे इसको फॉलो करूं, क्या करूं इसके लिए। सबसे पहला, लोगों को ना ये बात पता नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, अवेयरनेस। लोगों को बताओ कि हाँ, पेड़ बचाओगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज बचाओगे तो क्या होगा, पानी बचाओगे तो क्या होगा। बहुत से लोगों को पता है लेकिन वो नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को जागरूकता नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग इन सब बातों के। किसी को पता ही नहीं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कुछ कौन कब पता चलेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे।
तो ये इस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है अवेयरनेस फैलानी है। दूसरा पॉइंट है कि भैया एक्शन लो, छोटे छोटे एक्शन लो लेकिन लो, ठीक है, ताकि आप किसी ना किसी तरह उस राह पे चल सको, उस गोल को अचीव कर सको। गोल बता दिया है, बस अचीव करना है। और तीसरा जो पॉइंट है कि जब आप एक्शन ले रहे हो तो उसको एनालाइज भी करो कि हाँ ये एक्शन जो मैं ले रहा हूँ उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहला है हमारे को अवेयरनेस बनानी है, दूसरा है एक्शन लेना है, और तीसरा है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं उसका एनालाइज करना है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसको उठाना है, उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि 2015 से पहले कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा गोल बनाया गया था? क्योंकि पॉल्यूशन तो उससे पहले भी था, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से 2020 में पॉल्यूशन आ गया हो। तो इस पॉइंट को, इससे पहले का क्या था, उसको आप जानने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.thesustainshow.com में आप जाके, वहाँ पर आर्टिकल हमने एक छोटा सा लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं, और अपना कमेंट वहाँ पर, अपना फीडबैक जो है वो आप शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ हमने नॉलेज प्रोवाइड किया हो, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फीडबैक जो है वो शेयर करिए, ताकि हमारे को पता चल सके कहाँ पर हमें क्या इम्प्लीमेंट और करना है हमारे वीडियोस के लिए। सो थैंक यू और हैव अ नाइस डे।